ओके सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू माइन क्रिप्टो करेंसी विद योर पीसी और लैपटॉप। ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी माइन किस तरह से करनी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम ओवरक्लॉकिंग के साथ माइन करेंगे। ओके, ओवरक्लॉकिंग किस तरह से करी जाती है एंड क्यों ज़रूरी है ओवरक्लॉकिंग, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके सो हम इस वीडियो में सारे पूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से पूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास अगर हम कोई सा भी कॉइन माइन करना चाह रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे रेवन कॉइन हो, चाहे कोई सा भी कॉइन हो, तो उसके कौन कौन से माइनिंग पूल्स हैं और माइनिंग पूल का डेटा कि उसकी हैश रेट कितनी होगी, उसकी पूल फी कितनी होगी और उसको किस तरह से कनेक्ट करना रहेगा। ओके ओके एंड हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं टीरेक्स माइनर एप्लीकेशन, और मैं आपको बताऊंगा टीरेक्स माइनर एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा है एंड उसमें हम टीरेक्स के अंदर ही ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, ना कि हमें कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लाइक जैसे हम बाकी और तरह से माइन करते हैं लाइक नाइस हैश या क्रिप्टेक्स, तो उसमें हमें MSI Afterburner यूज़ करना पड़ता है ओवरक्लॉकिंग करने के लिए, जो कि कभी कभी क्रैश कर जाता है अगर हमारी रिग है या 3 से ज़्यादा GPU है हमारे पास, तो उस केस में हमारी अगर ओवरक्लॉकिंग माइनर एप्लीकेशन के अंदर ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है। ओके सो टीरेक्स इज़ वन ऑफ देम जिसमें हम माइनर एप्लीकेशन के अंदर ही अपनी ओवरक्लॉकिंग की डिटेल्स डाल सकते हैं, तो हमें MSI Afterburner की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी माइनिंग स्मूथली चलती रहेगी। ओके सो माइनिंग से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसकी आपको आई बटन में प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने मैंडेटरी विंडोज सेटिंग बताई है, अगर आप विंडोज 10 पे माइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या विंडोज़ की सेटिंग करनी है ताकि आपकी माइनिंग स्मूथली रन करे और आपकी मैक्सिमम हैश रेट आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो। ओके एंड उस प्लेलिस्ट में हमने कवर किया है कि किस तरह से माइनिंग को ऑटोमेट करना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए एंड जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापस आए तो ऑटोमेटिकली आपकी माइनिंग भी स्टार्ट हो जाए एंड आपका जो माइनिंग एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो जाए, आपका PC जो है वो भी आपका ऑन हो जाए। तो किस तरह से वो वाला सेटअप करना है कि आपकी माइनिंग ऑटोमेट हो जाए, चाहे वो GPU माइनिंग है, चाहे CPU माइनिंग है, चाहे दोनों है, तो उसकी वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके और अगर आप सिंगल क्लिक में माइन करना चाहते हो, ज़्यादा कोई आप टेंशन नहीं चाहते हो कि माइनिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पूल से कनेक्ट करना और ये सब, तो सिंगल क्लिक में जस्ट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे माइन कर सकते हो उसकी भी वीडियो है एंड माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जो भी आपको वीडियो देखनी हो। ओके सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जस्ट एक सिंगल क्लिक के थ्रू माइन कर सकते हो विद विद द हेल्प ऑफ नाइस हैश। नाइस हैश बहुत ज़्यादा जो बिगिनर्स लोग होते हैं, जो जस्ट माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है, तो वो वीडियो आप आई बटन से देख सकते हो, जो उसमें जस्ट आपको नाइस हैश डाउनलोड करना है एंड जस्ट आपको एक बटन पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपकी माइनिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। ओके ओके सो इफ़ यू लव अवर कंटेंट, इफ़ यू लव अवर वीडियोज, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल बाई प्रेसिंग बेल नोटिफिकेशन टू ऑल टू मोटिवेट अस फॉर मेकिंग मोर एंड मोर सच कंटेंट फॉर यू। ओके सो इससे यह होगा जब भी हमारी माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस या वर्डप्रेस या SEO या फ्रीलैंसिंग या मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो आएगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एंड आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन MW एजुकेटर फोरम एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड हमारे फोरम मेंबर्स भी आपकी जरूर हेल्प करेंगे अगर उनको आपकी क्वेरीज अपने फील्ड से रिलेटेड लगेगी। ओके एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर टूल्स वेबसाइट जहाँ हम SEO रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टूल्स को फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स पेड वर्जन में आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके सो कुछ टूल्स यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी हैं। ओके सो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर टूल्स वेबसाइट कॉम। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। ओके सो माइनिंग के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपका माइनिंग पूल, दूसरा आपका वॉलेट जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी रिसीव होगी और स्टोर्ड रहेगी, और तीसरी चीज़ चाहिए होगी आपको माइनर एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आपके लिए माइन करेगी। ओके सो सबसे पहले हम जाते हैं माइनर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। सो बेसिकली बहुत सारी माइनर एप्लीकेशंस हैं लाइक टीरेक्स हो गया, NB माइनर हो गया, फोनिक्स माइनर हो गया, लोल माइनर हो गया, तो आप कोई सा भी माइनर यूज़ कर सकते हो बट टीरेक्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ये थोड़ा स्टेबल ज़्यादा रहता है। ओके सो हम टीरेक्स पे जाएंगे, टीरेक्स लिखेंगे एंड टीरेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से हम टीरेक्स को इजीली यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, TRX.26.1 से आप डाउनलोड पे लगा दो और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके और दूसरी बात, अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखनी है कि टीरेक्स कि अपडेटेड वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो टीरेक्स गिटहब आप डालो और गिटहब वाली वेबसाइट टीरेक्स की वो ओपन कर लो और यहाँ पे आपको दिख जाएगा TRX.26.1 में आपका
100% LHR अनलॉक आ चुका है। ओके, सो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। और आपका TRX इसका पिछला वाला वर्जन जो था उसमें ये सारी चीजें आई थी, तो उस तरह से आप देख सकते हो किसी भी वर्जन की डिटेल्स। ओके, सो माइनर एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद अगर आपको माइनर एप्लीकेशन रन करने में विंडोज दिक्कत दे, क्योंकि इसे कभी कभी वायरस डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको क्या करना है, विंडोज सिक्योरिटी में जाना है और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। देन एक्सक्लूजन में जाना है, एड और रिमूव एक्सक्लूजन्स, और यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आपकी माइनर एप्लीकेशन है, जैसे सपोज मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में है, तो मैंने डाउनलोड्स को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपका जो एंटीवायरस है या विंडोज डिफेंडर है, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा माइनर एप्लीकेशन रन होने में। ओके, ओके, सो ये हमारी TRX डाउनलोड हुई है यहाँ पर, ये और ये इसका फोल्डर बना है, इसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फोल्डर बन जाएगा। ओके, सो हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी फाइल्स हैं TRX की। ओके, सो आपको काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। ये जो है स्टार्टिंग में ALPH, CFX, Ergo, ETH, ये कॉइन का नेम है, जिस कॉइन को आप माइन करना चाहो उस फाइल को आपको ओपन करना है। और ये जो है वॉली पूल 2- हीरो माइनस नैनो पूल, ये पूल के नेम है। सो आपको मैंने जैसे आप बताया आपको कि आपको एक पूल चाहिए होता है, वॉलेट एड्रेस चाहिए होता है और माइनर एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो माइनर एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड कर ली, अब आती है पूल की बारी। सो कौन सा पूल आप सिलेक्ट करें, अगर आप कंफ्यूज हैं पूल के बारे में, तो आप माइनिंग पूल स्टेट्स आप गूगल पे या बिंग पे आप डालो, तो ये वेबसाइट खुलेगी माइनिंग पूल स्टेट्स डॉट स्ट्रीम, इसको आपको ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी कॉइन को सर्च करो जो भी आप माइन करना चाहते हो। सपोज मैं इथेरियम माइन करना चाहता हूँ, बिकॉज अब तक ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन है, तो इथेरियम पे आपने क्लिक करा और ये सारे पूल्स आप देख रहे हो, इथेरियम ETH के जितने भी हैं ये सारे पूल्स हैं इथेरियम के लिए। और यहाँ पर ये पूल का नेम है एंड यहाँ पर पूल की फी कितनी, ये पूल फी चार्ज कर रहा है माइनर से, एंड कितनी हैश रेट है टोटल इसकी और कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं और लास्ट कब फाउंड हुआ था। ओके, सो आपको डिसेंट्रलाइज्ड रहना है, मतलब किसी एक, जैसे किसी एक पूल को टॉप वाले को जिसकी हैश रेट सबसे ज़्यादा है उसे नहीं पकड़ना है, बल्कि आपको डिस्ट्रीब्यूट होना है, कोई बंदा यहाँ इस वाले पूल पे माइन करे, कोई इस वाले पूल पे माइन करे, उस वाले इस वा, कोई इस वाले पूल पे माइन करे। दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वर्क्स बेटर। ओके, सो मेरा जो फेवरेट पूल है वो 2- है बेसिकली, क्योंकि इसमें फीस जो है वो भी 1% है और इसकी हैश रेट भी मतलब ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, और दूसरी बात यह है कि आपका ये आप देख सकते हो कि 0% फी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम इस वाले को चूज़ क्यों ना करें, लेकिन ये जो पूल है ये सिर्फ हाइव ओएस वालों के लिए है, और हाइव ओएस होती है बेसिकली जब आप विंडोज़ में माइनिंग नहीं करते हो, बल्कि विंडोज़ में हाइव ओएस को इंस्टॉल कर देते हो, और हाइव ओएस इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को इस तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका कंप्यूटर सिर्फ माइनिंग के लिए यूज़ होगा। ओके, सो हाइव ओएस थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होता है, बिगिनर्स के लिए हाइव ओएस नहीं होती है, जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे उसके बाद हाई ओएस की भी वीडियोस डालेंगे। ओके, सो 2- हमने पूल सेलेक्ट कर लिया, और तो अब हम यहाँ पे जाते हैं 2- अब हम खोल डालते हैं गूगल पे, 2- की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जब भी माइनिंग करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस डालोगे, फिर सर्च करोगे तो आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लाइक कितना आप माइन कर चुके हो, कितनी आपको पेमेंट हो चुकी है और कितना पेमेंट पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स। ओके, सो आप नीचे करो, ये सारे कॉइन्स हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं। इथेरियम पे आपने क्लिक करा, उसके बाद क्विक स्टार्ट पर क्लिक करा, उसके बाद ये आपको माइनिंग पूल का एड्रेस मिल जाएगा एशिया। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, जैसे हम इंडिया वाले हैं पाकिस्तान वाले, तो उनके लिए नियरेस्ट तो उन्हें जो सिलेक्ट करना है वो एशिया का सर्वर सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही हमारे नियरेस्ट है। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करा कॉपी, मैं आपको बता देता हूँ, और ETH में 2- वाली जो फाइल है इसको आपको एक कॉपी बना लेनी है, इसकी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इसको आपको राइट क्लिक करना है, एडिट करना है। ओके, सो ये ओपन हो जाएगी, और उसके बाद ये कैसे आया है ये सब मैं आपको समझाता हूँ। आप हो सकता है आपके केस में ये इतना सब कुछ नहीं लिखा हो, कुछ और ही लिखा हो, तो ये मैं आपको सब डिटेल समझा देता हूँ कैसे आएगी। ओके, सो ये है आपका स्ट्रेटम प्लस TCP: और डबल स्लैश, और ये जो है हमने अभी सिलेक्ट करा था वहाँ से माइनिंग पूल का एड्रेस, यहाँ से आपने कॉपी करा और यहाँ पे आगे से कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा। और ये जो है आपका, ये है आपका वॉलेट एड्रेस, ये वाला है आपका वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस कहाँ से मिलेगा, वॉलेट एड्रेस आप मिलेगा आपको अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए, या अगर आप
वजीर एक्स यूज़ करते हो तो आपको वजीर एक्स या बाइनेंस की वेबसाइट पे जाना है, या आप सिर्फ वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्सोडस का वॉलेट होता है और जेलकोर का वॉलेट होता है, ये सिर्फ वॉलेट होते हैं। और वजीर एक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन आपको एक वॉलेट एड्रेस भी देता है क्रिप्टो करेंसी रिसीव करने के लिए। ओके, सो हम वजीर एक्स पे जाएंगे। आप बाइनेंस का भी अपना वॉलेट यूज़ कर सकते हो। वजीर एक्स पे गए हमने, एंड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। ओके, सो अगर आपने 2FA लगा रखा होगा तो आपके पास एक नंबर पर आपके एक मैसेज आएगा कोड का, वो कोड आपको डाल के लॉगिन कर लेना है और आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। ओके, सो लॉगिन करने के बाद आपका वजीर एक्स पे इस तरह का कुछ डैशबोर्ड होता है, आपको जाना है फंड्स में और आप करने वाले हो इथीरियम को माइन, तो आपको टाइप करना है यहाँ पर इथीरियम, और इथीरियम में डिपॉजिट जो यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि आप माइनिंग पूल से जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आप अपने वजीर एक्स के इथीरियम के वॉलेट में रखना चाहते हो, तो इथीरियम में जाके आपको डिपॉजिट करना है और ये आपको डिपॉजिट का एड्रेस शो हो जाएगा। एंड ये याद रखना कि आपका जो नेटवर्क है वो ERC20 है। ओके, सो आपको जाना है यहाँ पर फाइल में, और ये जो होगा बेसिकली जब आप नया माइनर इंस्टॉल करोगे तो ये उस टाइम डेवलपर का आपका वॉलेट एड्रेस होगा, मेक श्योर कि इसमें आप अपना वॉलेट एड्रेस डालो, वरना आप माइन करोगे और डेवलपर को इसकी फीस जाती रहेगी। तो मैंने अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। ओके, मेरे उसमें 8024 है लास्ट का डिजिट, एंड यहाँ आप देख सकते हो 8024। ओके, सो इस तरह से ये हो गया। और तीसरा काम क्या करना है, ETH, ये हमारा ETH, ये आपका जो हो गया वो एल्गोरिदम हो गया, ये आपका माइनिंग पूल का एड्रेस हो गया, ये आपका वॉलेट एड्रेस हो गया, और उसके बाद ये आपको लोकेशन कैसे चूज करनी है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ भी आपकी T-Rex की फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है वहाँ पर आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी एड्रेस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पूरा जाके पेस्ट कर देना है और एक स्लैश और लगा के जो भी आपकी एप्लीकेशन का नेम है, जैसे हमारी एप्लीकेशन का नेम है T-Rex.exe, वो यहाँ पर लिख देना है। ये ऑटोमेटिकली पहले से लिखा रहा होगा T-Rex.exe, तो इस तरह से आपको करना है और उसको आपको डबल कोलन के अंदर वो कर देना है, फिर उसके बाद आपको सेव कर देना है। सो ये हो गई हमारी बैच फाइल, बट मेक श्योर ये हमारी जो बैच फाइल है इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस के अंदर है, लेकिन हमें अपनी ओवरक्लॉकिंग भी करनी होती है GPUs की। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करोगे तो आपके GPU उतनी ज़्यादा हैश रेट नहीं देंगे, प्लस वो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे, तो आपको पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करना होता है GPU की एंड अपनी हैश रेट्स को बढ़ाना होता है, तो इसलिए आपको उनकी ओवरक्लॉकिंग भी करनी रहती है। सो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी नाइस हैश के थ्रू माइन करने के लिए, उसमें आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं थी ना आपको माइनिंग पूल की ज़रूरत थी, दोनों चीज़ें नाइस हैश प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको ओवरक्लॉकिंग करने के लिए आपको MSI After Burner की ज़रूरत पड़ती, बिना MSI After Burner के आप ओवरक्लॉकिंग के साथ नहीं यूज़ कर सकते थे। बट T-Rex में आप डायरेक्ट अपनी बैश फाइल में ओवरक्लॉकिंग की डिटेल्स डाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी ओवरक्लॉकिंग चलेगी। MSI After Burner यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके GPU 3 से ज़्यादा हैं तो अक्सर वो क्रैश कर जाता है, फिर आपका माइनर रीस्टार्ट होता रहता है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आपको ओवरक्लॉकिंग क्या करनी है, ओवरक्लॉकिंग की डिटेल्स कैसे डालनी है। सो सपोज जैसे मेरी रिग में इस टाइम 3 GPU हैं, तो ये आपको कमांड उसकी readme फाइल में भी मिल जाएगी। फैन इस तरह से आपको लिखना होता है /fan80, मीन्स फैन जो चलेंगे वो 80 की स्पीड पर चलेंगे, /PL65, मीन्स जितने भी GPU हैं सबकी पावर लिमिट 65 रहेगी, /lock C clock 1130, मीन्स जितने भी GPU होंगे उन सबकी कोर क्लॉक जो होगी वो 1130 होगी, /M clock 1330, मीन्स जितने भी GPU लगे हुए हैं सारी सबकी मेमोरी क्लॉक जो रहेगी 1330 रहेगी, 1330। ओके, सो ये कमांड आपको कॉपी करनी है, आप देख के भी समझ जाओगे या आप याद को या आपको याद हो जाए ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हो इन कमांड को, वीडियोस में से भी आप देख देख के टाइप कर सकते हो। और आपको जाना है अपनी उसी बैच फाइल में और रिग जीरो के बाद स्पेस देना है और एंड इस कमांड को पेस्ट कर देना है। ओके, -W rig उसके बाद ये जो कमांड है वो सारी, फैन 80 की स्पीड पे, पावर लिमिट 65 की, लॉक कोर क्लॉक, हाँ ये जो आपकी ओवरक्लॉकिंग सेटिंग है ये सभी GPU के लिए अलग अलग रहेंगी,
जो भी जीपीयू आपका रहेगा, भले ही मेरे पास 3070 Ti है, लेकिन आपके पास भी अगर 3070 Ti है तो ज़रूरी नहीं है ये वाली ओवरक्लॉकिंग सेटिंग आपके लिए परफेक्ट वर्क करे, क्योंकि हर जीपीयू की ओवरक्लॉकिंग सेटिंग अलग होती है, चाहे वो सेम मॉडल का क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको हिडन ट्रायल्स करने होते हैं अपनी परफेक्ट ओवरक्लॉक सेटिंग पता करने के लिए। और आपको ओवरक्लॉक सेटिंग के बारे में और पता करना है कि ओवरक्लॉकिंग की रेंज क्या होती है, तो आप ट्रिप्टेक्स की वेबसाइट पे जाकर आप ओवरक्लॉकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। आप डाल देना ओवरक्लॉकिंग ट्रिप्टेक्स तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर बहुत सारे जीपीयूस की डिटेल्स पड़ी है एंड कौन सा आपका ग्राफिक कार्ड का मॉडल है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड कौन सा एल्गोरिथम पे आप वर्क करना चाह रहे हो। सपोज जैसे मेरा 3070 Ti है, मेरा 3070 Ti है, इसे मैंने सिलेक्ट करा, एल्गोरिथम है मेरा ETH का डेगर हैशिमोटो ETH मींस इथेरियम, के बाद मैंने सर्च करा तो आप देख सकते हो इतने सारे डेटाबेस हैं, मतलब इतने कलरफुल का EVGA का MSI का 3070 Ventus और इसकी ओवरक्लॉकिंग के बाद 55 मेगा हैश की स्पीड दे रहा है और ये ओवरक्लॉकिंग डिटेल्स है -502/1060। इस तरह से लोगों ने अपने डाल रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें उनके लिए वर्क करी, क्या क्या चीज़ें, तो आप भी इनमें से देख देख के हिडन ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए जो केस वर्क करी और मेरे लिए जो कोर क्लॉक और मेमोरी क्लॉक वर्क करी है वो ये वाली है, आपके लिए हो सकता है कुछ और दूसरी हो, आप यहाँ से इस वेबसाइट से देख के पता लगा सकते हो। आप ओवरक्लॉकिंग क्रिप्टेक्स गूगल पे डालोगे तो ये वाली वेबसाइट आपको शो हो जाएगी, उसमें से आप देख सकते हो। ओके सो उसके बाद आपको एक चीज़ और, अगर आप सपोज आपके पास 3 GPU हैं, आप नहीं चाहते कि सारे GPU की सेटिंग ये रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हर GPU की ओवरक्लॉक अलग होगी, कोर क्लॉक अलग होगी, मेमोरी क्लॉक अलग होगी, तो आपको अलग अलग GPU की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है। तो सपोज आप पहले वाले GPU का फैन चलाना चाहते हो 80 पे, दूसरे वाले का चलाना चाहते हो 70 पे, तीसरे वाले का 60 पे, तो आपको इस तरह से लिख देना है। पावर लिमिट सपोज पहले GPU की 65 रखना चाहते हो, दूसरे वाले GPU की 70, तीसरे वाले GPU की आप 65, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और पहले वाले GPU की आप लॉक कोर क्लॉक 1130 करना चाहते हो, दूसरे वाले की आप 1100 करना चाहते हो, तीसरे वाले की 1050 करना चाहते हो, तो कॉमा लगा लगा के आप जितने भी आपके GPU हैं उतनी डिटेल को आप इंक्लूड कर सकते हो। सपोज 1300, 1350, तो जैसे मेरे 3 GPU हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले GPU की कोर क्लॉक 1130 रहे, दूसरे की 1100, तीसरे की 1050, तो मैंने कॉमा लगा के इस तरह से लिख दिया। और मेमोरी क्लॉक मैं चाहता हूँ पहले GPU की इतनी रहे, दूसरे GPU की इतनी, तीसरे GPU की इतनी रहे, तो ये कस्टमाइजेशन हो गया हर GPU का इंडिविजुअली। आप चाहते हो कि पावर लिमिट सबकी 65 रहे, तो आप एक बार लिख दिया तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आप चाहते हो कि फैन सबके 80 पे चले, तो आपने 80 लिख दिया और वो तीनों GPU के फैन 80 पे ही चलेंगे फिर। ओके सो इस तरह से आपको बैच फाइल में ओवरक्लॉकिंग करनी है, ओवरक्लॉकिंग की डिटेल्स इस तरह से फिल करनी है। सो ये सिंपल सी कुछ टर्म्स हैं जो आपको अपनी बैच फाइल में इंक्लूड करने होंगे और आपका माइनस फिर रन करने लग जाएगा। फिर आपने फाइल को सेव कर दिया एंड उसके बाद हम माइनर एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ओके सो ये वाली मेरी फाइल थी जिसे मैंने बनाया है और इसे हमने एडिट करा था और एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही थी। ओके, सारी चीज़ें ठीक है। एक चीज़ और हम करना रह गए, जब भी आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आपको जो भी अपना माइनर एप्लीकेशन है उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज देनी होती है, अदरवाइज वो आपका वर्क नहीं करता। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और कंपैटिबिलिटी पे क्लिक करना है और रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस पर टिक करना है, देन अप्लाई और ओके। सो ये आपका माइनर एप्लीकेशन अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप माइनिंग को ऑटोमेट करना चाहते हो कि किस तरह से ऑटोमेटिकली माइनिंग हो, चाहे आपकी लाइट चली जाए और जैसी लाइट वापस आए तो ऑटोमेटिकली आपका PC भी ऑन हो जाए और माइनर एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, आपका माइनिंग स्टार्ट कर दे, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और इथेरियम 2- पे आपने क्लिक करा और ओपन आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पहली बार आप करोगे तो आपको हो सकता है ये एक तरह की वार्निंग दे, आपको रन एनीवे पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो मेरी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फैन 80 पे चल रहे हैं सारे, पावर लिमिट 65 तीनों की, कोर क्लॉक पहले की इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, एंड आप देख सकते हो मेरी हैश रेट अब इसने शो कर दी है 236 मेगा हैश इस टाइम शो कर रहा है
एंड अभी हम और देखते हैं टाइम के साथ ये क्या वेरी करती है। अभी इसको स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आप देख सकते हो ये मेरी हैश रेट आ रही है ओवरक्लॉकिंग करने के बाद। पहला जीपीयू मेरी 80 दे रहा है, दूसरा जीपीयू 79, तीसरा 75। तो मुझे तीसरे वाले की ओवरक्लॉकिंग को थोड़ा सा और बेटर करना पड़ेगा। इसकी ओवरक्लॉकिंग इस टाइम बेटर नहीं है, इसकी सेटिंग को और देखना होगा कि क्या और अच्छी रह सकती है। ओके, सो इस तरह से आपकी ओवरक्लॉकिंग वर्क करती है। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग ना करती है तो ये आपको 80 की बजाय 60 कुछ वैल्यू दिखा रहा होता। यहाँ पे आपकी अभी 185 पावर शो हो रही है बट ये आपकी 230-240 पावर वॉट कंज्यूम कर रहा होता। ओके, सो इसलिए हमारी ओवरक्लॉकिंग जरूरी होती है। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग यूजिंग एनी पूल विथ टीरेक्स माइनर। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन अवर फोरम MW Educator Forum and I'll be more than happy to answer all of your queries. And if you love this video, please don't forget to subscribe our YouTube channel to motivate us for making more and more content for you. Okay, so don't forget to subscribe our channel because ताकि जब भी हमारी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको बेल बटन पे ऑल पे बेल बटन प्रेस करना होगा एंड ऑल पे क्लिक करना होगा। सो इस तरह से आपको आपके पास हमारी अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। Okay, so thank you very much. See you in the next video.